हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है जन्माष्टमी और विनी और साक्षी बना रहे हैं रील। और ये देखो, शाम को आ गया था लड्डू का केक। तो मैं तो अपने घर में लड्डू नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी जेठानी जो है छोटे वाली, उन वो रखते हैं। वो लड्डू की जो है सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो यहाँ पर विनी और किटू देखो बने हुए हैं कान्हा जी, और इन्हीं के हाथों से केक कटवाया। ये है मेरी छोटे वाली जेठानी जो अभी कर रही है तैयारियाँ। और ये देखो मेरी सास, अभी क्योंकि रात के बज चुके हैं 11:30, तो मेरी सास थक चुकी हैं और वेट कर रही है कि कभी 12 बजे। और ये देखो अभी यहाँ पर नहला कर हमने लड्डू को कर दिया तैयार। और ये लड्डू की ड्रेस है, देखिए आप लोग कैसी है, कमेंट में जरूर बताइए कि लड्डू की ड्रेस कैसी है। और ये है लड्डू का हांडी वाला केक। और लड्डू के लिए वैसे हांडी का केक उसको चखाया नहीं था, बस वैसे बनाया था कि डाउट था कि इसमें शायद एग है। वैसे तो हम लोगों ने पहले ही ऑर्डर करवाया था, तो डाउट दूर करने के लिए कि लड्डू को मतलब ऐसे कटवा दिया था लेकिन उसको चखाया नहीं था। उसको चखाने के लिए मावे का जो है मिल्क केक जो है वो अलग से लेके आए थे, उसकी भी फोटो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए लड्डू का हमारे केक जो है वो तैयार है, और अभी बाकी जो तैयारियां चल रही हैं ये देखिए। तो आप लोग बताइए आपके घर पर कैसी रही जन्माष्टमी? हमारे तो ये सजावट अभी कर रहे हैं, लगभग हो चुकी थी। और विनी जो है अभी भजन कर रही है, और सारा जो सामान है वो लगभग तैयार कर दिया गया है। और अभी 12 बजने का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही 12 बजेंगे तो कान्हा जी से जो है केक कटवाएंगे। अभी सभी लोग कर रहे हैं एंजॉय, तब तक भजन वगैरह। ये देखो किट्टू, किट्टू भी इंतजार कर रही है, किट्टू भी अभी तक नहीं सोई है। सभी इंतजार कर रहे हैं, तो जैसे ही 12 बजेंगे तो केक कटवा दिया जाएगा। और ये देखो हमारी राधा रानी आ गई है, साक्षी यानी कि ईशु। और ये अभी जाकर देखेगी सीधा जाके डेकोरेशन, और डेकोरेशन देखने के बाद में फिर अभी लगभग 12 बजने वाले हैं और अब हम काटेंगे केक। तो सभी लगभग आ ही चुके हैं, तो अभी काउंटिंग चल रही है, 1 2 3, बस यही काउंटिंग चल रही है। और ये काउंटिंग पूरे होते ही केक जो है वो कटवा दिया जाएगा। तो अभी देखो विनी के हाथों से, क्योंकि विनी लड्डू बनी हुई है तो विनी के हाथों से केक कटवाएंगे। तो ये टाइमिंग का वेट हो रहा है, 1 मिनट बाकी है। तो जैसे ही पूरे 12 बजेंगे तो केक कटवा दिया जाएगा। ये देखिए केक ये कटवा दिया है, अभी 12 बज चुके हैं और केक कटवा दिया। और ये देखिए केक कटने का जश्न इतना फुल जोरों शोरों पर है। जैसे ही केक कटा सभी ने खूब धूम के एंजॉय किया सभी ने खूब। ये देखिए कान्हा जी का बर्थडे है, तो इतना अच्छे से सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया, इतनी खुशी, इतना मतलब सभी सुबह से ही ऐसे हो रखा था कि पता नहीं कितना बड़ा त्योहार है, कितना मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे सभी। बहुत ही मतलब देखने लायक ही था वो पल जो है, वो मोमेंट जो है। ये देखिए आप खुद भी देखकर समझ सकते हैं, ये देखो। तो हमारे यहाँ पर तो जन्माष्टमी कुछ ऐसे मनाई गई थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारे जन्माष्टमी कैसे लगी, और ये भी बताएं कि आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया। ये देखिए सभी बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं, और अभी बाहर पटाखे भी बाकी हैं। तो देखिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की सॉरी जन्माष्टमी जो है कैसी रही। अच्छा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे और नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता है, तो प्लीज़।